खनिया थाना के भामौर कला थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुए पति पत्नी के आपसी झगड़े में पत्नी के नाक काटने के मामले में आरोपी पति राम प्रवेश वंशकार और उसके माता पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी के चरित्र के संदेह में आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया था। वही घटना के तत्काल बाद भामौर कला थाना प्रभारी नीरज राणा के द्वारा एक विशेष टीम बनाकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी, जिसके चलते महज 2 दिन के अंदर ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में थाना प्रभारी नीरज राणा ने बताया कि आरोपी राम प्रवेश वंशकार उसके माता पिता को ट्रेम नदी के पास से पकड़ा गया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। किस में सफलता हासिल की है, क्या संपूर्ण मामला है सर, बताएं सर। राम प्रवेश ने अपनी पत्नी का ब्लेड से नाक काट दिया था, जिससे उसका चेहरा कुरूपित हो गया। इसलिए उसने इस कृत्य में जो अपने माँ और उसके पिता का भी सहयोग रहा है, उन्होंने पकड़ना बताया कि उसने पकड़ा और पति ने नाक काट ब्लेड से। सर किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है? ये है 324, 294, 506, 326, 398 का इनके तहत मामला दर्ज किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।